नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम उत्तरकाशी में हैं। डीएम ऑफिस के पास ही में एक कैंटीन है, यहां पर हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। आज हम यहां से 2 से 2.5 घंटे में निकलेंगे, केदारनाथ धाम जाना है आज हमको। डायरेक्टली वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, देखते हैं बीच में हम कहां पर हॉल्ट कर सकते हैं और कल आगे की यात्रा कंटिन्यू। पहले चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस के पास ही में एक कैंटीन है। भैया, नाश्ते में आपके पास क्या मिलेगा? अभी मिलेंगे गहत के पराठे और मंडोए का बाड़ी। फिट है तो दोस्त हमें बना दीजिए। ठीक है। बाड़ी बनाने के जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें घी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस समय घी नहीं है तो मक्खन में बना रहे हैं। अब इसमें आप मंडवा का आटा डालने वाले हो। वेरी गुड। अच्छा, इन्होंने मेरे को बताया कि जब भी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उन दिनों में या डिलीवरी के बाद लेडीज को यह खिलाया जाता है। ये बड़ा हाई एनर्जी फूड है तो इससे ताकत आती है शरीर में। तो भैया, बाड़ी किस किस तरह की होती है? बाड़ी गेहूं के आटे का, चावल के आटे का, कुट्टू के आटे का और मंडोए के आटे का। अच्छा, वैसे एक बात है, जब भून रहे थे ना तो खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है भूनते भूनते। वाकई 2 फुट दूर भी खुशबू फील हो रही है। अच्छा, हिमाचल में भी बाड़ी चलता है मेरे को, हम लोग खाए वहाँ पर भी। सेम चलता है हिमाचल और उत्तराखंड में चीजें काफी कुछ सेम है खाने के मामले में। लगभग 60-70% सेम है। वेरी गुड। लो जी, परांठा बन के तैयार। अब इसमें हम डालेंगे माय ऑल टाइम फेवरेट सफेद मक्खन और इंजॉय करेंगे। वाह 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 वाह, गहत की दाल। इस समय ना इन्होंने दाल जो इनके पास पड़ी थी उसको उबाल दिया है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये भी सामने देखिए मंगवा ली है। ये गहत की दाल है और बाड़ी भी आ चुकी है हमारे सामने। मक्खन आपने देख लिया, साथ में मांडवा का आटा भी देख लीजिए। इसको भी आप एक बार पहचान लीजिए, जब आप गढ़वाल आएंगे तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत ही पौष्टिक आहार। वाह वाह वाह, व्हाट अ टेरिफिक टेस्ट। एक बात मैं आपको अभी एडवांस में बता देता हूं, आप जब इस रीजन में आएंगे और इस तरह से गहत दाल का परांठा खाएंगे वाइट मक्खन के साथ, तो आप भी यही बात बोलेंगे, टेरिफिक टेस्ट। इतना स्वाद है, सुपर, बहुत ही शानदार। ऐसा जो दाल थोड़ा निकल जाता है ना परांठे से बाहर, तो हल्का सा लगाइए, मक्खन में डुबोइए और खा लीजिए। गहत दाल की तासीर गर्म है। दूसरी चीज, अगर आपको पथरी की प्रॉब्लम है तो आप इसका हफ्ते में 2 बार या 3 बार सूप पीजिए, आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि पथरी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है। आप बाड़ी की कंसिस्टेंसी देखिए, ये एक तरह से सेमी सॉलिड फॉर्म में बन गया। खुशबू मैंने आपको बताया, जब इसको भून रहे थे ना बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और मैं तो पहली बार खा रहा हूँ, मैंने आज से पहले मांडवा के आटे से बनी हुई बाड़ी कभी नहीं खाई। अत्युत्तम। मैं सीरियसली क्या आपको बताऊं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना टेस्टी हलवा बन सकता है। और ये स्वाद को समझाना बहुत मुश्किल है कि इसका स्वाद कैसा है। ऑब्वियसली अगर आप आज से पहले रागी खा चुके हैं जिसको नाचनी भी बोलते हैं, तो आप पहचान जाएंगे और इस टेस्ट को रियलाइज करेंगे। वेरी वेरी टेस्टी, बहुत स्वाद, एब्सोल्यूट थम्स अप है इस तरह के टेस्ट को। सबसे बढ़िया बात, इन्होंने चीनी कम रखी जिससे कि आप उस मिठास को एंजॉय कर सको और साथ साथ मंडवा का आटा। टू गुड, मेरा दिल खुश हो गया आज परांठा खा के और इतना टेस्टी बाड़ी खाकर। कल रात में हम 11 बजे उत्तरकाशी पहुंचे। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि हम GMVN गेस्ट हाउस में रुकें, लेकिन अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं थी। इसके ठीक सामने हम सत्यम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में रुके। यहां पर हमको डबल ऑक्यूपेंसी में 1800 रुपए टैरिफ पड़ा। मेरी अभी तक की फाइंडिंग है, इस रीजन में, मेरा मतलब है चार धाम रूट पर, अगर आप गढ़वाली फूड खाना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। लोकल फूड की रेस्टोरेंट्स और ढाबा में काफी कम अवेलेबिलिटी है। अब ये देखना पड़ेगा अगले 2 से 3 घंटे में कि हम लंच कहां पे करेंगे। तो आपसे मुलाकात अब 3 घंटे बाद होगी। उत्तरकाशी से 3 किलोमीटर आगे हम इस समय गंगोरी गांव में आए। हमारी यहां मुलाकात एक परिवार से हुई। इन्होंने पहले हमारे को अपना फार्म दिखाया
और फिर हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट गढ़वाली भोजन तैयार किया। आप जैसे चूल्हे में खाना बना रहे हो तो यहाँ पर आपको धुआं नहीं लगता? धुआं लगता से भी जाते, उधर से भी जाते। अच्छा, बाहर में धुआं लगता है। हाँ, थोड़ा तो लगता ही रहेगा। तो एक गाय एक दिन में कितना दूध देती है? 6 लीटर। अच्छा, सही है। ये है लाल चावल, इसका रंग लाल क्यों नहीं होता? वो कलमे नहीं कूटते। अच्छा, वो कलमे कूटेंगे लाल हो गए, चक्की में कूटेंगे तो सफेद हो गए। ओखली में? ओखली में। अच्छा, ओखली में लाल होते। अच्छा अच्छा। हाँ। ये आपने बताया पापड़ के पत्ते की सब्जी। हाँ। ठीक है, इसको ही कुचाई के पत्ते बोलते हैं। कुचाई के पत्ते। ठीक, लाल चावल से बनी हुई खीर। हाँ। ठीक है, ये हो गई आपकी अरबी की सब्जी। हाँ। जो आपने मुझे बताया कुचाई की सब्जी। हाँ। साथ में इसको क्या बोलते हैं, मांड का झोल? मांडा झोली। मांडा झोली। हाँ। चौंसा भटका, काला भटका चौंसा। ठीक है, मैं रिवाइज करने की साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ। पापड़ के पत्ते की सब्जी में और कापली में क्या फर्क है? इसमें मांड डालते हैं, उसको सूखा बनाते हैं तेल में। चावल का मांड? हाँ, चावल का। ये फर्क हाँ, है दोनों के बीच हाँ, में सही है। बड़ा पसंद आया मेरे को सही में। काला भटका चौंसा, सफेद भटका चौंसा और हरे भटका चौंसा। इसमें आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? ये काला भटका सबसे ज्यादा पसंद है। तो स्वाद हर किसी का अलग है? अलग अलग होता है स्वाद। अच्छा, सही है, ये तो मजा आ गया खा के। हल्की सी वो जो दानेदार सी फीलिंग आती है ना खाते समय, हल्का सा दानेदार सा महसूस होता है, बड़ा अच्छा स्वाद आता है, पता लगता है भुना। और सोयाबीन बोलते हैं यहाँ पर भटको, भटको यहाँ पर सोयाबीन बोलते हैं, सोयाबीन को यहाँ पर भट बोलते हैं। अभी मैंने ठीक बोला। थोड़ा सा चावल लेंगे और ऐसे डाल लेंगे। अति उत्तम। बनाने का तरीका तो है ही है, साथ में पहाड़ी धनिया ने समा बांध दिया पूरे टेस्ट के अंदर। पापड़ के पत्ते की सब्जी जिसको सरसों के तेल में बनाया गया, मेरे को वाकई में समझ में नहीं आ रहा। मैं आप सबका किन शब्दों में धन्यवाद करूं कि आप लोगों ने हमें इतना जबरदस्त टेस्ट आज कराया है ना, क्या बताऊं। मैं आने वाले सालों साल तक नहीं भूलूंगा। और ये तो क्या कहने, बहुत जूसी लीफ है सरसों के तेल के साथ जब ये बनाया गया है, और वो धनिया डाला है आपने साथ में, प्याज बारीक सा काट के लगाया है, ये सब मिलकर ना बहुत गजब टेस्ट हो गया। आज सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि आपके यहाँ आके ना हमको ये हरी सब्जियाँ खाने का मौका मिला, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया। और स्वाद तो मैं आपको तारीफ करते नहीं रुक रहा। पापड़ के पत्तों की कापली, इसको सबसे बेहतर किसके साथ खाया जाता है, भात के साथ या? भात के साथ। अच्छा, पहले मुझको ऐसा लगा कि पापड़ की सब्जी और कापली का स्वाद एक जैसा होगा, कि मुझे ऐसा लगा, लेकिन एक जैसा नहीं है, ये दो अलग अलग चीज है, एकदम टेस्ट अलग है दोनों का। ये भी ये अपनी जगह मस्त है, और वो तो हमने खाया इससे पहले, बहुत शानदार। खीर तो मेरे को ऐसे बड़ी पसंद है, मौका मिलता तो मैं छोड़ता नहीं, और आपने बहुत शानदार खीर बनाई है वाकई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया। आने वाले सालों साल तक आज का ये खाना मैं याद रखूंगा जो हमने आपके यहाँ पर खाया। अभी इजाज़त दीजिए, चलते हैं, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते। ओके बेटा, बाय बाय। बाय बाय करो। कल रात में हम सोच रहे थे कि उत्तरकाशी से अर्ली मॉर्निंग निकलें और नाइट स्टे हम सोनप्रयाग में करें। यहाँ से अगर सोनप्रयाग नॉन स्टॉप भी जाते हैं तो 8.5 घंटे का रास्ता है, रुकते रुकते जाएंगे तो लगभग 12 से 12.5 घंटे। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा ना जाएं, 40 या 50 किलोमीटर के बाद जब 6:30 बजने हों हम नाइट स्टे कर लें। उत्तरकाशी से अभी हम केवल 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की ओर आए हैं। आप देखो 5 किलोमीटर के अंदर हमने कितनी हाइट पकड़ ली है। वो सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं, हमने अभी उसको क्रॉस किया था, इस जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ
यहाँ से हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे ये पावर हाउस और उसके आगे गंगा जी का कितना खूबसूरत फ्लो, सामने आप देखिए पूरा उत्तरकाशी शहर और मेरे ठीक सामने बड़े बड़े पहाड़। शाम के 5:15 हो चुके हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से खड़े होकर उत्तरकाशी को देखना। पिछले 7-8 दिन में आज पहली बार है मैंने स्वेटर नहीं पहना, आज का दिन ऐसे ही रहेगा, कल हम वापस चले जाएंगे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, फिर दोबारा हमारे को वुलेंस की जरूरत पड़ेगी। उत्तरकाशी से अभी हम 12 किलोमीटर आगे आए, ये होटल देखा, यहाँ पर हम नाइट स्टे के लिए रुक चुके हैं, आगे की जर्नी हम कल करेंगे। आपके यहाँ से नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है। जी सर। मतलब जिधर देखो वहीं खूबसूरती, बड़े बड़े पहाड़, वाह। अच्छा, ये इनसे हमारी बात हो रही है कि खाने में क्या खा सकते हैं दोस्त, हमको पहाड़ी कुछ खाना है, बताइए। आप लोगों को पहाड़ी पालक खिलाएंगे। पहाड़ी पालक ठीक है, और पहाड़ी लेंगड़े की सब्जी खिलाएंगे, साथ में दाल खिलाएंगे आपको। अच्छा, और यहाँ से नीचे से यहाँ से तोड़ के लाएंगे अपने यहाँ से। अच्छा, पालक तोड़ के लाएंगे। हाँ सर, चलो सही, पालक हमारा है। सही है, अभी रोशनी भी है तो साथ चलते हैं आपके। हाँ साथ चल, चलो आओ। तो भाई साहब, बड़े चुन चुन के आप पालक के पत्ते निकाल रहे हो। सर ये पालक जो है इसको एक महीने से 2 महीने हो गए। अच्छा, पक्का हो गया, पकने में आ गया, अभी इसमें बीज निकल रहे हैं सर, इसकी जो है टहने बन गई है, अभी इसमें पत्ते छोटे छोटे निकल रहे हैं। अच्छा जी, अब एक तो है लेंगड़ा, ये आप पहले भी देख चुके हैं, असम में हम गए थे वहां पर इसको ढेकिया बोलते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया था यहां पर कि इधर के लेंगड़ा के टेस्ट में फर्क है। दूसरी चीज आप देख रहे हैं पालक, ये भी देखा आपने, पालक के पत्ते नीचे से निकाले, पहाड़ी पालक, और साथ में दाल तवा चपाती इन्होंने बना के दी। मैंने पूछा था मांडवा आटे की रोटी बनाने के लिए, लेकिन वो ऑप्शन इस मोमेंट पे अवेलेबल नहीं थी, तो इसके लिए हम गेहूं के आटे की रोटी यहां पर खा रहे हैं। पहाड़ का खाना अगर एंजॉय करना है ना, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खाना सरसों के तेल में बनाओ। यहां पर मैंने चेक किया कि खाने को सरसों के तेल में तैयार किया गया है। फिडल हेड फन, अच्छा टेस्ट है। मैं कंपेयर अगर करना चाहूं जो असम में हमने टेस्ट एंजॉय किया था ढेकिया का, वहां वर्सेस दिस प्लेस, दोनों के टेस्ट में फर्क है। यहाँ के टेस्ट में कहीं ना कहीं वो पहाड़ी टच है, वेरी जूसी और वेरी टेस्टी। लवली, बहुत शानदार। आमतौर पे पालक पनीर एज ए कॉम्बिनेशन काफी लोग पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट में मेरे को किसी भी प्रकार से लग नहीं रहा कि पनीर के बिना ये चीज अधूरी है। पालक ऑन इट्स ओन इज वेरी टेस्टी। एक और चीज वर्थ मेंशनिंग है, आप पीछे का बैकग्राउंड देखिए कितना शानदार है। हम इस समय हाइट में हैं, तो एक तरह से उत्तरकाशी शहर हमको लाइट जल रही है घरों की वो दिखाई दे रही है। ओपन एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, भले हाफ स्लीव टी शर्ट में है, लेकिन हल्की हल्की ठंड का एहसास है। तो कल हम आगे जब बढ़ेंगे सोन प्रयाग की ओर, तो मौसम ठंडा होगा रास्ते में, इस मोमेंट पे यहाँ प्लेजेंट है। इस समय रात के 8:30 बजे हैं, 9:30 बजे तक हम सो जाएंगे, सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगाएंगे और 5 बजे हम लोग सोन प्रयाग के लिए निकल जाएंगे। काफी लंबा रास्ता है, रास्ते में साइट सीइंग करेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे और गढ़वाली फूड भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी आपसे नए एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर योर टाइम।